हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी देखा जाए तो भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर ज्योग्राफी के यानी भूगोल के चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन के जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मायने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान से सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हियर इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लाइक द एक्सक्यूटिव एनियर ऑफ फ्यूचर। इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एंड फॉर द नियर ऑफ फ्यूचर। The development of hydropower alone cannot be meet the demand of electricity for a future. Therefore, there is a need to be a find and develop a alternative source of power. Sun, winds, tides, biological waste and hot spring are such a source which can be developed as their alternative source of power. There is important here. The alternative power source here, sun, winds, tides, biological waste and hot spring. There is an alternative source of power. They are called to the non-conventional source of energy. There is called a non-conventional source of energy. These source of energy are renewable and pollution free. These source of energy are renewable and pollution free. We shall discuss some important non-conventional source of energy with the reference to a development in our country. There is a first come here. Solar energy. Solar energy is the most important for the future, for the planet Earth of Sun is the primary source of all energy. You know that there is an already inform you for the planet is the Earth is the Sun is a primary source of all of energy. Sun is the most of vital, abundant and direct source of energy. India lies in the tropical zone and has a plenty of sun shine for a long hour of a day. There are large possibility to be developed solar energy in a country and that too without much of cost. Solar energy is tapped through the system of solar photovoltaics, means SPV. cells. The thermal heating system can be used for a water heating, solar cord cut as a cooking meals and dry food grain etc. Solar energy can be developed in almost every part of country, but more so in hot, dry and cloud free area like Rajasthan. The next here, wind energy. The wind energy is the most important here. The wind can be used as a source of energy in those regions where a strong and consistent wind flow. The blow is throughout their year. You know that the wind energy is the most important here. The wind energy can be used for a pumping water for irrigation and also for generating electricity. India has about
45,000 megawatt extremely wind power potential. This is most important here. 45,000 megawatt estimate wind power potential. The protective sites of generating electricity's wind as have been localized in Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, and Kerala. The potential that can be trapped at the present limited to be around 13,000 megawatt. But at the present, 2,483 megawatt is netted through their wind, which places India in the fifth position globally after Germany, USA, Denmark, and Spain. That is the most important, but India is the fifth position of global level here, the wind energy used there. The next year, biogas. Biogas is the most important here. Biogas is obtained by the using animal refuse like a cow dung. It is widely used in the rural area mainly as a domestic fuel. Efforts are began made to be popularized. There is a biogas plant in a country. There is important biogas here. There are natural phenomenal animal refuse is like a cow dung here. And the urban and industry base is another source of biological energy in the big cities and industry is a center. There is important here, urban industry based on another source of biological energy in the big cities and industry centers. These materials as can be used for generating electricity or biogas here. The work is this is direction is still in the initially stage. So the plants has been installed in Delhi and few cities in India here also. There is important. And next year, biomass energy. The biomass energy is also important here. Energy generated from farm or agriculture based. Agro-industry based energy plantation sector is known as the biomass energy. You know that what is a biomass energy? The energy generated from to farm or agriculture based agro-industry based and energy plantations sector is known as the biomass energy. The potential of the biomass power in the country has been estimated at about 19,500 megawatt. There is important here, 19,500 megawatt. So far, a total capacity of 614 megawatt biomass base power generating system has been installed and capacity of 6,400 megawatt are under installation in the country. There is an important point here. The next year, tidal energy. Tidal energy here, energy can also be generated from high tidal waves. Some of the important sites identified for generating tidal energy are localized in a Gulf of Kutch and Kumbh at Gujarat state and the coastal of Kerala. A plant of 150 megawatt capacity has been installed Kerala's coastal there is a tidal energy. The next year, geothermal energy. There is the most important here, the geothermal energy. The potential of geothermal power is very limited in India. Important sites select for the generating geothermal power are situated in Himachal Pradesh is a Manikaran. And Manikaran is important and Jammu and Kashmir is a Pugga Valley is a Ladakh. There is an important point here. The Himachal Pradesh is here. Geothermal Power Institute here are Manikaran and Jammu and Kashmir is a Pugga Valley and Ladakh. Assessment of the geothermal energy potential of the selected site in Himachal Pradesh. Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh is a begin undertaken. There is an important point here that geothermal energy regarding. As we have discussed earlier, the non-conventional source of energy are the renewable and pollution-free. They can be helpful in a utilization of the resource scattering all over the country. But the development of this energy resource is very slow due to the lack of suitable and economically available technology. Even so, there is no doubt that they would become a reality in a not a very distant future. There are prospects of the expanding the manufacturing of industries and
mechanization of agriculture in the nook and corner of the country. There is an important area. There are proposals of the expanding to the manufacturing industry and mechanization of the agriculture in the hook is a nook at the corner of the country. Naturally, there is will be a more demand of energy derived from the non-conventional source here. There is an important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, देखिए कहते हैं अगर कोयला, खनिज तेल और बाकी की हम बात करें तो ये समाप्त होने वाले संसाधनों में से है, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिसका भविष्य में बहुत उज्जवल भविष्य है। कहते हैं इसका उपयोग जो आने वाला समय में भी हो सकता है और ये कभी ख़त्म ना होने वाला है, तो हम क्यों ना उन स्रोतों के तरफ जाए जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, जिसका भविष्य में भी बहुत काफ़ी उपयोग किया जा सकता है। और अगर आज से हम इसके ऊपर ध्यान देने लग जाएं तो आने वाला समय में हो सकता है कि हमें कभी ऊर्जा की कमी ना खले और कभी भी कोयला पेट्रोल ख़त्म हो जाने के बाद भी हमारा जीवन जो है इसी तरह चलता रहे। तो यहाँ पर मेन बात तो यही आता है कि सरकार को इन्हीं बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जो कोयला पेट्रोल पर आश्रित होते चले जा रहे हैं और जो ख़त्म होने के कगार पर आ गया है, तो क्यों ना हम ऐसे विकल्पों की तरफ चलें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे और आने वाला भविष्य के लिए भी जो है बचाया कर रखा जा सकता है। तो इसी में जो है हम आज जो बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोत के विषय में, जो कि कोयला पेट्रोलियम्स और जो है काफ़ी दूर है और इसका भविष्य आगे में बहुत ही उपयोग किया जा सकता है, जो कि ज़रूरी है और ये जो है विशाल है और कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेचुरल है। तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। अगर बात हम करें यहाँ ऊर्जा के परंपरा स्रोत में कोयला, खनिज तेल, गैस आदि आते हैं जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जल विद्युत ऊर्जा भविष्य की बढ़ती बिजली की मांग का पूर्ति अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए जल विद्युत ऊर्जा भी जो है एक तरह का गैर परंपरागत स्रोत ही है जो भविष्य में इसका अस्तित्व है, ये भविष्य में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या का जो है बिजली का जो है मांग पूरा करना जल विद्युत शक्ति में इतना जो है पावर नहीं है। तो कहते हैं अगर इसके पास इतना पावर नहीं तो कोई और विकल्प हो सकता है और उन्हीं विकल्पों के विषय में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, इसलिए ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत की खोज एवं विकास करने की आवश्यकता प्रबल होती जा रही है। सूर्य, पवन, ज्वारी, लहरें और जैविक अपशिष्ट गर्म जल के झरने ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन्हें ऊर्जा शक्ति के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। देखिए सूर्य कहते हैं अनंतकाल से है और अनंतकाल तक रहेगी। पवने जो है चलती रहेगी, क्योंकि पवन नहीं चलेगी तो इंसान का अस्तित्व नहीं रहेगा। नदी है तो ज्वारी लहरें भी रहेगी, अगर इंसान जीवित है तो जैविक अपशिष्ट भी बनते रहेंगे। अगर जैविक अपशिष्ट हैं तो आपको पता है धरती में गर्म लावे भी हैं, तो इससे क्या मतलब ये हुआ कि हम जब तक धरती पर रहने वाले हैं, जब तक इंसान धरती पर रहेंगे, सूर्य, पवन, ज्वारी, लहरें, जैविक अपशिष्ट और गर्म जल की स्रोतें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, जिन्हें ऊर्जा शक्ति के विकल्प स्रोत के रूप में आगे विकसित किया जा सकता है। इन्हीं ऊर्जा गैर परंपरा स्रोत भी कहा जाता है और ये सभी जो है गैर परंपरा स्रोत बार बार नवीकृत किए जा सकते हैं, यानी बार बार इसको जो है उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये हमारे लिए एक भविष्य उज्जवल भविष्य की तरफ हमें इशारा करते हैं। ये सभी स्रोत जो है प्रदूषण मुक्त हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये प्रदूषण मुक्त हैं, सस्ते हैं और इसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाई गई है। हम इन्हें में से कुछ महत्वपूर्ण स्रोत के विषय में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है और आने वाला समय में आपको इसी में से भविष्य को तलाशने हैं। तो कहते हैं जब तक आपको समझ नहीं रहेगी आप भविष्य कैसे तलाश कर सकती हो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में आप ही तो बहुत कुछ बन सकती हो। सबसे पहले बात अगर हम करें तो सौर ऊर्जा की आ जाती है। देखिए सौर ऊर्जा यानी सूर्य से रिलेटेड है और सूर्य जो है अनंत काल तक है। सूर्य की रोशनी जो है बढ़ता चला जा रहा है। पृथ्वी के लिए सूर्य की प्राथमिक रूप से सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य जो है सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। इवन कि इंसान के लिए भी सूर्य बहुत ज़रूरी है। कहते हैं विटामिन डी तो मिलती है, अगर सूर्य की रोशनी से अगर पेड़ पौधे भोजन ना बनाए तो शायद मनुष्य को भी भोजन प्राप्त मिल नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य सर्वाधिक सजीव एवं सशक्त एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होने वाले शक्तियों का केंद्र है। भारतवर्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला एक विशाल देश है जहां प्रचुर मात्रा में सौर प्रकाश प्रतिदिन लंबे समय तक
मिलता ही रहता है। यहाँ पर जो अपरिमित संभावनाएं हैं जिसके अंतर्गत बहुत कम जो है लागत में सौर ऊर्जा को विद्युत शक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो कहते हैं अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत के लिए सौर ऊर्जा का जो है वैकल्पिक स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो है प्रतिदिन जो है लंबे समय तक जो है सूर्य की रोशनी जो है पड़ती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है भारत के लिए। सौर ऊर्जा को सोलर फोटो फैक्ट्रिक यानी SPO भी कहते हैं, वो क्योंकि व्यवस्था द्वारा बैटरियों में जो है कैद कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में ये जो है सूर्य वाले जो है सौर पैनल लगाई गई है, सौर ऊर्जा पैनल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन कि आप अपने घर में भी लगा सकती हैं। इवन कि सरकार ने बहुत अच्छा पहलू किया था कि इन्होंने रोड के किनारे जो है सौर ऊर्जा से चलने वाले जो है बल्बों का इस्तेमाल किया था, और इवन कि कई क्षेत्रों में ट्रैफिक जो लाइन होती है सौर पैनल से ही ऑपरेट की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो होगा अगर कहते रोशनी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और इससे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार की बैटरी में जो है समाहित सौर ऊर्जा कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, जैसे इसे जो है उत्सर्जित तापीय ऊर्जा गर्म करने में, पानी गर्म करना, सौर जो है कुकर में खाना पकाना, खाद्यान्न को सुखाने में प्रयुक्त होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सौर ऊर्जा का कितना उपयोग यहाँ पर है। सौर ऊर्जा का विकास तो पूरे देश में किया जा सकता है, परंतु राजस्थान जैसे क्षेत्र जो इतने गर्म शुल्क एवं मेघाद्यान से मुक्त रहते हैं आदर्श क्षेत्र है जहाँ सौर ऊर्जा अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है सौर ऊर्जा का सबसे उज्ज्वल भविष्य है। राजस्थान ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पर सौर ऊर्जा का जो है उज्ज्वल भविष्य है, और यहाँ पर जो है कब इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी धूप पड़ता है कि जो है सौर पैनल का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाता है, और बिजली का उत्पादन करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो कहते हैं हमारे पास भारत में हर तरह के विकल्प है, इसे दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों का इस्तेमाल आज के समय में कर रहे हैं जो ख़त्म होने के कगार पे है। तो इसमें सोचने और समझने की विचारधारा रखने की आवश्यकता है, और सरकार से मंथन करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात है पवन ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। पवन ऊर्जा को शक्ति के स्रोत के रूप में उन क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है जहां साल भर शक्तिशाली तेज रफ्तार वाली पवनें चलती हो। पवन वेग से चलने वाली पवन चक्की में पवन ऊर्जा का ही प्रयोग होता है, और इस चक्की से न केवल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है अतुल कई जगहों में सिंचाई के लिए पंपों को संचालित भी किया जा सकता है। भारत में पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता जो है 45,000 मेगावाट है। देखिए 45,000 मेगावाट कम नहीं होता है। इस संसाधन को विकसित करने से उपयुक्त स्थलों की पहचान भी की गई है जो तमिलनाडु में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ पर जो है हवाएं तेज चलती ही रहती है, या तमिलनाडु हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो, ये ऐसा आदर्श क्षेत्र है जहाँ पवन ऊर्जा को जो है सुचारू रूप से लगाया जा सकता है। पवन ऊर्जा क्षमता जो कि उपयोग की जा सकती है वो 13,000 मेगावाट तक सीमित है। वर्तमान में 2,434 मेगावाट शक्ति का उत्पादन जो है पवन ऊर्जा द्वारा ही संभव है। कहते हैं पवन ऊर्जा की शक्ति जो भारत में किया जा रहा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार भारत की विश्व में स्थिति जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क और स्पेन के बाद 5वें स्थान पे है। देखिए भारत कहते हैं 5वें स्थान पे होना कहते कहीं भी उचित नहीं है, भारत को इसमें पहले स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि भारत के पास आदर्श जगह भी है और संसाधन भी है, लेकिन फिर भी भारत जो है 5वें स्थान पे है। सबसे पहले जर्मनी आती है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका यूज़ कर रहा है, डेनमार्क भी कर रहा है और स्पेन भी कर रहा है, लेकिन भारत जो है इसके अंतर्गत 5वें स्थान पे है। कहते हैं आने वाले समय में हो सकता है कि भारत जो है पहले नंबर पर आ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष बायोगैस। देखिए बायोगैस जो पशु के गोबर से प्राप्त की जाती है। अब कहते हैं भारत और कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर गाय भैंसों की कमी नहीं होती है, और उनसे प्राप्त होने वाले गोबर की भी काफ़ी मात्रा में होती है। ग्रामीण क्षेत्र में आजकल घरेलू धन के रूप में इसका बहुत ही प्रचलन हो रहा है। वहाँ पर जो है गाँव में जो है बायोगैस बनाने के लिए सरकार बहुत ही प्रोत्साहित भी कर रही है। इसे पूरे देश भर में जो है प्रचलित करने के लिए प्रोत्साहन युक्त प्रयास किए जा रहे हैं, और आने वाला समय में बायोगैस का जो है भविष्य काफ़ी उज्ज्वल हो सकता है। बड़े शहरों और
जो औद्योगिक केंद्रों में शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट बायोगैस के अन्य प्रमुख स्रोत के रूप में भी है और इस पदार्थों का उपयोग विद्युत उत्पादन एवं बायोगैस हेतु किया जा सकता है। और इस दिशा में कार्य अभी प्राथमिक स्तर पर ही चल रही है, अभी पुण्य हुई नहीं है। दिल्ली और कुछ अन्य बड़े शहरों में ऐसे संयंत्र की स्थापना भी की गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष बायोमास। देखिए बायोमास ऊर्जा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते खेत खलिहान में बड़े कूड़ा करकट अपशिष्ट एवं कृषि आधार औद्योगिक इकाई से निष्कर्षित अपशिष्ट इत्यादि में पैदा की गई ऊर्जा बायोमास ऊर्जा कहलाता है। यानी अगर हम भारत कृषि प्रधान देश है तो यह खेत खलिहान में बहुत से जो है कूड़ा करकट अपशिष्ट जो है मिलते ही मिलते हैं और इसी को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। देश में बायोमास ऊर्जा की संभावित क्षमता जो है 19,500 मेगावाट रहा है और अब तक जो है 614 मेगावाट क्षमता वाले बायोगैस शक्ति उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहते हैं 643 मेगावाट क्षमता संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। यानी 614 मेगावाट जो है स्थापित किया जा चुका है और 643 मेगावाट की क्षमता के लिए प्रगतिशील है, यानी इसका कार्यद्वार अभी चल रही है। उसके पश्चात आता है ज्वारीय ऊर्जा। देखिए ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइड एनर्जी जो कि समुद्रों में उठती है, आपने समुद्री के बारे में तो जाना ही होगा जहाँ पर टाइड उठती रहती है और ये मैक्सिमम पूर्णिमा और अमावस्या को ही देखने को आपको मिलता है। कहते हैं समुद्र में जब ऊंची लहरें उत्पन्न होती है तो उन लहरों में समाहित ऊर्जा के भी विकसित कर बिजली प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उसका उपयोग जो लहरें उठती है उसका भी उपयोग हम बिजली के उत्पादन में कर सकते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान कर ली गई है जहां ज्वारीय लहरें से बिजली उत्पन्न की जाती जाएगी, जिसमें कच्छ की खाड़ी एवं संबत दोनों गुजरात में है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तथा केरल के तटीय क्षेत्र में जो है 150 मेगावाट की क्षमता का एक संयंत्र केरल तट पर भी स्थापित किया गया है जहाँ से 150 यानी 150 मेगावाट की क्षमता जो है उत्पन्न की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ज्वारीय ऊर्जा का भी काफ़ी हम प्रयोग कर सकें, क्योंकि ये जो है अक्षय है, ये कभी भी समाप्त न होने वाले संसाधनों में से आता है। उसके पश्चात आता है भूतापीय ऊर्जा। देखिए भूतापीय ऊर्जा का भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत सीमित है, कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का चयन किया गया है जहां पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अगर आपको पता हो तो भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जहां पर जो है गर्म सोते मिल जाते हैं, जहां पानी उबल रहे होते हैं, क्योंकि ये जनरली आपने देखा भी होगा कई क्षेत्र में ये मिलते भी हैं। और ये क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, जिसमें मणिकरण जगह है, एक जगह है जहाँ पर ये भूतापीय ऊर्जा का प्रावधान भी है। जम्मू व कश्मीर में लद्दाख में जो है पुगा घाटी में इस तरह के जो भूतापीय ऊर्जा जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य में भी संभावित स्थलों की जो है खोजबानी जारी है। यानी ऐसे बहुत क्षेत्र की जो है खोज की जा रही है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ऊर्जा के जो है गैर पारंपरिक स्रोत नवीकृत किए जा सकते हैं तथा वे प्रदूषण मुक्त भी होते हैं। भारत में विषम और असामान्य रूप से वितरित संसाधनों के उपयोग में गैर परंपरागत स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है, परंतु ऊर्जा के इन स्रोतों का विकास अभी अत्यंत धीमी गति से हो रहा है। इससे गति प्रदान करने के लिए अधिक अच्छी और उन्नत तकनीक जो आर्थिक रूप से जो है उचित भी हो की आवश्यकता है। इन सुविधाओं के बावजूद आने वाले भविष्य में ऊर्जा के यही स्रोत यथार्थ रूप से जो है विश्वसनीय एवं अपरिहार्य रूप से शक्ति प्राप्त करने से प्राप्त होंगी और यही भविष्य भी है। भारत के कोने कोने में निर्माण उद्योग एवं कृषि का विकास हो रहा है, इसलिए जो है इन चीज़ों पर नैतिक रूप से गैर परंपरागत स्रोत से ऊर्जा प्राप्त की अधिक मांग होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के कोने कोने में निर्माण उद्योग एवं कृषि का विकास हो रहा है, इसलिए जो है नैतिक रूप से जो है गैर परंपरागत स्रोत के प्राप्त ऊर्जा की अधिक मांग होती रहेगी और भविष्य में इसका जो है उज्ज्वल भविष्य भी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने हर एक विचार पर, हर एक बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया और जानने की कोशिश किया, हर एक पहलू के बारे में हमने समझने की कोशिश किया। ठीक है, कहते हैं दोस्तों समझना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और त्रिपान स्टडी सेंटर जो है
खुद न प्रस्तुत हो के यहाँ पर जो है लाइन आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है आप लोगों के लिए। कई बच्चे कहते हैं कि ऐसा सही नहीं है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत से बच्चे को जो है हिंदी तक भी लिखने नहीं आती तो इंग्लिश क्या लिखने आएगी। तो इसलिए त्रिपाण सेंटर इसलिए शब्दों को दर्शाता है, इसे आप शब्द भी समझ सकते हो कि किस शब्द को कैसे लिखे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इससे आपके जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है उच्चारण क्षमता बढ़ेगी। आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए ही कार्य करता है और इसलिए जो है वसूली बातों पर ना ध्यान दे के जो NCERT बनाई जाती है, जो बोर्ड वालों ने सिलेबस तैयार किया है, उसी के जो है आगे विस्तार से बताया जाता है। क्योंकि कहते हैं उन्हीं चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इससे आपका भी भविष्य काफ़ी उज्ज्वल हो जाएगा। कहते हैं अगर आप अपने सिलेबस को ही अच्छे से कवर कर ले तो वही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि CBSE में इतने बड़े बड़े व्यक्ति बैठे होते हैं, वो आपके भविष्य और आपके विकास के अंतर्गत ही कोई सिलेबस को सेट करती है। तो इसीलिए जो है सिलेबस के अंतर्गत ही अपने आप को रखिए, सिलेबस से आगे बढ़िएगा, ना तो आप घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। तो इसी बात को त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है फॉलो बार बार करता है और इसी बात पर आगे चलता है। अगर ये सब बातें आप लोगों को अच्छा लगा, चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया है, तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, YouTube से लिंक को कॉपी करना है और WhatsApp स्टेटस पे लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा, समझना होगा, जरूर देखेंगे। जिन बच्चों को कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है लेसन बहुत काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नहीं तो अगर बाद में कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए अगर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेते हो तो जब मर्जी चाहो तब आप त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आ सकते हो और यहाँ पर आपको जो है सारी वीडियो उपलब्ध रहेंगे। अगर आप वीडियो जो है सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हो, क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो, चैप्टर के अंतर्गत देखना चाहते हो, चाहे जैसे मर्जी देखना चाहते हो, जिस क्लास का देखना चाहते हो, सभी वीडियो जो है आपको उपलब्ध होगा। और साथ में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी है जहां पर सभी चीज़ जो है सुचारू रूप से उपलब्ध है। इसमें कुछ खामियां दिख रहा हो, कुछ गलतियां हो, कुछ आपको बुराई करना है तो आप सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि कहते हैं ना जब तक किसी की बुराई ना की जाती हो तब तक जो है उसमें अच्छाई नहीं आती है। तो इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटता है, आप जैसा चाहो वैसा कॉमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ राय देना है, कुछ विचार देना है तो ज़रूर कीजिए।